हेलो फ्रेंड्स, अन्नपूर्णा रसोई में आज हम बनाने वाले हैं सांबर, जो कि एकदम साउथ इंडियन टेस्ट आपको देगा। साउथ इंडियन सांबर के ही जैसा इसका टेस्ट आएगा, क्योंकि इसमें मसाले भी हम वैसे ही डालने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम सांबर की रेसिपी बनाना। सो फ्रेंड्स, सांबर बनाने के लिए हमने यहाँ सब्जियाँ कट करके रख ली है। आपके पास जो भी सब्जी हो आप उसे कट कर ले सकते हैं। उसमें ये मस्ट होना चाहिए, ये इसे हम लोग कद्दू बोलते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है सांबर में। बाकी आपके पास जो भी सब्जियाँ हो आप ले सकते हो। और इधर हमने सांबर के लिए मसाले तैयार किए, जो हम बाहर से मसाले यूज़ नहीं करने वाले हैं इसमें कोई भी। ये हमने धनिया लिया हुआ है, ये नारियल को कद्दूकस कर लिया है हमने, और करी पत्ता नहीं है मेरे पास, ये मैंने सूखी हुई करी पत्ते लिए हुए हैं, मैंने सुखा कर रखा हुआ है इसे। और ये मेथी के दाने हैं, ये मिर्च और ये चने की दाल, इन सबको हम रोस्ट करेंगे। ये सारे मसाले जो हैं हम इसको इसमें डाल देंगे और अब हम इसे रोस्ट करेंगे। इसे हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक इसमें से हमें मसालों की खुशबू ना आने लगे। जब तक ये मसाले हमारे रोस्ट हो रहे हैं तब तक हम इधर हमने कुकर रख दिया है गैस के ऊपर। अब हम इसमें सरसों के दाने डालेंगे, इसमें हम सरसों के दाने डाल देंगे। सरसों के दाने हमने इसमें डाल दिए। अब हम ये लाल मिर्च लिए हैं साबुत, ये भी हम इसमें डाल देंगे। यह हींग लिया हुआ है हमने, ये हींग भी हम इसमें डाल देंगे। और ये सारी सब्जियां जो भी हमने कट की थी वो सारी सब्जियां अब हम इसमें डाल देंगे। सभी सब्जियां हमने इसमें डाल दी है। और ये रहर की दाल है जिसको कि हमने अच्छे से धुल लिया है, और ये रहर की दाल को भी हम इसमें डाल देंगे। रहर की दाल को सब्जियों के साथ ही हम 4 से 5 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। इधर ये मसाले भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे ठंडा करके। ये मसाले हमने पीस लिए हैं, मसालों को हमने दरदरा ही रखा है। इस तरह से अगर आप मसाले डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इस तरह से आप एक बार सांभर ट्राई करके देखना, ये बहुत ही अच्छा बनता है। ये मसाले आप रख भी सकते हो, स्टोर करके भी रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होता है जल्दी। और अब हम ये सारे मसाले इसमें डाल देंगे सांभर में, और इसी टाइम पे हम इसमें अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक भी डाल देंगे। हल्दी हम इसमें डाल देंगे, और मिर्च तो हमने डाला हुआ है, धनिया भी हमने उसमें डाल दिया था। कोई भी और मसाले हमें इसमें नहीं डालने हैं, बस अभी सबके साथ में हमें इसे फ्राई करना है। 3-4 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें पानी डाल देंगे। सो फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें बस पानी डाल देंगे। बस पानी डाल के 2 से 3 विसल हम इसमें लगने देंगे, सांभर रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, 2 से 3 विसल आ गए हैं। अब हम इसे खोल कर देखते हैं। बस अब हम इसे देखते हैं, बस सांभर बहुत अच्छे से गल गया है। अब हम इसे थोड़ा इस तरह से मैश कर देंगे। अगर आप चाहो तो इसे और अगर आपको पतला बनाना हो तो आप और इसमें पानी ऐड कर सकते हो। ये मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है, मैं थोड़ा पानी इसमें ऐड कर दूंगी। थोड़ा पानी हमने इसमें और डाल दिया। और ये इमली का प्यूरी हमने बना कर रखा हुआ है, इमली को बॉईल करके फिर उसको अच्छे से मैश कर लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें ऊपर से एक और तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने गैस पे ये छोटी कढ़ाई रख दी है। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसी टाइम पे हम इसमें सरसों के दाने डाल देंगे,
आप इसमें कड़ी पत्ता भी डाल सकते हो। मैंने इसमें सूखे हुए कड़ी पत्ते डाले थे, मेरे पास फ्रेश कड़ी पत्ते अभी नहीं है। और इसी टाइम पे हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे दो, और हींग हमने पहले भी डाला था लेकिन इस टाइम पे भी हम ऊपर से भी थोड़ा हींग डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। इसका तड़का अब हम इसमें लगा देंगे सांभर में। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो सांभर कितना अच्छा दिख रहा है, और अब हम इसे सर्व करते हैं।